सभी को मेरे एक और न्यू वीडियो मैं हूं आपका तनिष्क और आज मैं बेसिकली ड्राइंग की वीडियोस डालता हूं लेकिन नहीं आज कुछ बहुत तूफानी करने वाले हैं अपन। जी हां गाइस आज हम लोग करने वाले हैं तनिष्क रिएक्ट। यस गाइस आपने अगर आप माइनक्राफ्ट में कोई सीरीज देखते थे तो स्मार्टी पाई की सीरीज जानते होंगे वो डालते हैं अपने स्मार्टी पाई रिएक्ट। तो जी हां गाइस उनका सेम टू सेम आज हम लोग करने वाले हैं तनिष्क रिएक्ट। तो गाइस इसमें हम करने वाले हैं अब आप पूछोगे कि आज हम क्या रिएक्ट करेंगे किस बारे में रिएक्ट करेंगे तो आज हम लोग रिएक्ट करेंगे अपनी पुरानी ड्राइंग पे मेरी जो पुरानी ड्राइंग्स थी थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब चाइल्डहुड की जो मेरी ड्राइंग्स थी आज मैं आपको बताने वाला हूँ और अपन उस पर रिएक्ट करेंगे और आपको भी कमेंट करके बताना मेरी पुरानी ड्राइंग्स बचपन की कैसी थी। चलिए शुरू करते हैं गाइस पहली हमारी ड्राइंग जो होने वाली है आज के दिन में जो कि इस पे हम करने वाले हैं रिएक्ट वो गाइस ये है ये बचपन में आप सबने भी लैंडस्केप बनाए होंगे जो मैंने आधे छोड़े हैं अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं करे हैं ये मैंने गाइस ये मुझे जो याद आ रहा है मेरा बिग ब्रेन बोल रहा है कि मैंने इसको बनाया था जब मैं थर्ड क्लास में था। जी आ गई अभी मैं सेवेंथ में हूँ जब मैं थर्ड में था तब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी तो मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस ये हुई हमारी पहली ड्राइंग वैसे मैं कुछ दिखा के रहा हूँ बेसिकली और गाइस जब मैं फिफ्थ में था जी हाँ मैं फिफ्थ में जब था तब मुझे ये रोनाल्डो बनाने का बहुत शौक था तब मेरा रोनाल्डो फेवरेट हुआ करता था। अब वैसे मेरा क्रिकेट मैं आ चुका हूँ अब मेरा फुटबॉल छोड़ दिया है पर ये रोनाल्डो मैंने बनाया था गाइस इससे भी आप कमेंट में करके बताना कैसा लगा आपको। गाइस ये है हमारा रोनाल्डो। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा ये खरगोश जो कि मैंने बनाया था फिफ्थ में। हाँ गाइस ये भी मैंने फिफ्थ में बनाया था और ये बुक बहुत मतलब स्टोर रूम होता होगा बेसिकली आपके घर में भी मुझे स्टोर रूम से ये ड्राइंग बुक मिली थी जो कि रद्दी में जाने वाली थी तो मैंने देखा कि ये कौन सी बुक है तो फिर मैंने आज खोल के देखी तो मेरे को ये बुक मिली उसमें अच्छी अच्छी ड्राइंग्स थी बेसिकली तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना रिएक्ट्स के वीडियो बनाए जाए नए टाइप का नया कंटेंट बनाऊंगा जिससे मेरी पब्लिक की रीच और बढ़ेगी। तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस ये वो मेंढक मैंने बनाया था बेसिकली जो मशरूम पर चढ़ रहा था ये मैंने एक्चुअली मेरी इंग्लिश की बुक से बनाया था। जी हाँ गाइस मैंने बुक से बनाया था ये पूरी नीचे घास वास है और गाइस ये सब पे मुझे कलर करना है। और गाइस उसके तीसरी चौथी ड्राइंग हो गई हमारी ये फिर उसके बाद मैंने बनाई थी ये बोट बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरी बोट बनाई थी और मुझे शेप्स भी अच्छी लगती थी बोट शेप्स मुझे नदी वाटर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती थी लाइक वाटर सोर्सेस मुझे अच्छे लगते थे स्विमिंग भी अच्छी लगती थी तो इसलिए गाइस मेरे को ये शेप्स बहुत ज़्यादा बनाना पसंद। गाइस ये है उसके बाद की ड्राइंग ये है हमारी होने वाली है बेसिकली शिप की ड्राइंग। गाइस एक बार देख लीजिए ये है हमारी शिप की ड्राइंग ये भी अच्छी थी वैसे ये मैंने बनाई थी ये और गोटी मैंने बनाई थी शायद मेरा बिग ब्रेन कह रहा है फोर्थ या फिफ्थ में बनाई थी मैंने जब बेसिकली गाइस उसके बाद अब आती है सबसे फनी जो कि है एक डॉग की। गाइस आपको दिखेगा नहीं है डॉग की क्योंकि पीछे एक मेरी पेंटिंग ख़राब सी वैसे ही मैंने टाइम पास कर लिए बाजी देखिए ड्रॉ कम और इसमें आप बोलो कि फ़नी क्या है फ़नी ये है क्योंकि मैंने थर्ड में बनाई थी और इसके एक बार पैरों पे गौर कीजिए इतना मोटा कुत्ता और इतने से डॉग के पैर भाई ये कौन सा होता है। तो भाई चलो ये हो गया उसके बाद थोड़ी अच्छी जो मैंने बनाई थी शायद फिफ्थ में हाँ फिफ्थ में मैंने सारी जितनी भी ड्राइंग है मेरा बिग ब्रेन कह रहा है फोर्थ थर्ड या फिफ्थ में बनाई थी सिक्स भी मैंने अच्छी बनाना स्टार्ट कर दी थोड़ी थोड़ी बेसिकली ये है फिर हमारी उसके बाद चिड़िया की ड्राइंग आपको दिख रहा होगा ये फिश पकड़ी हुई है चेहरे अपने चोट से हाँ गाइस तो उसके बाद बेसिकली आती है ये ड्राइंग ये है हमारी तीन ड्राइंग एक पेज में तीन ड्राइंग भाई अब आप कह रहे होगे एक पेज में तीन ड्राइंग कौन है मैं बनाता हूँ भाई मैं गाइस ये है हमारी आज की ड्राइंग जो आखिरी होने वाली है आखिरी नहीं बोल सकते हो भी सकते हैं उसके बाद मैं आपको और फनी दिखाऊंगा जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेकंड में बनाई थी गाइस और छोटी छोटी मतलब
वैसे ही टाइम पास है। ये देखो ये प्याज, भाई संतरे, ये भाई कौन बनाता है ये, कहाँ भाई कौन है ये लोग, आते कहाँ से हैं ये लोग भाई संतरे बनाए हैं यार, भाई क्या मतलब, उनकी इज्जत खराब कर दी मैंने भाई। छी, और पंछी तो भाई देख लो पंछी, तो गाइस ये होती है हमारी ड्राइंग। अब चलिए गाइस, चलिए बढ़ते हैं नई नई बुक की तरफ ड्राइंग की। तो गाइस ये है शिनचैन, जिसका मुंह ही नहीं है भाई, मतलब कुछ भी, मुंह भी नहीं, मुंह शिनचैन कैसे बन सकता है यार, मतलब कॉमन सेंस तो होता है यार, मेरे अंदर कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है। ये गाइस बच्चों के मिक्की माउस एंग्री बर्ड था, ये भी मैंने अच्छे बनाए थे वैसे तो, पर ये भाई भाई अब बहुत फनी ड्राइंग होने वाली गाइस, अब आप भी हंसोगे देख के। गाइस ये देखो मार्शमेलो, जिसके पैर ही नहीं, पैर इतने अजीब है, और ये लड़का भाई मतलब मार्शमेलो कोई घूर रहा है इसको, और कहीं नहीं घूर रहा है इसको बंदे को भाई, बंदा अलग ही स्वैग में जीता है। गाइस चलो हो गया मजाक, अब थोड़ा सीरियस होते हैं अच्छी ड्राइंग में। गाइस ये जब कोरोना फर्स्ट टाइम आया था, यस गाइस 2019 में, जब मैं 5th में था या 6th में था, हाँ गाइस, तो ये है मेरा ये सेव हर्ट सेव लाइफ भाई, कॉमन सेंस कहते नहीं है। उसके बाद भाई दो पंछी बनते हैं, उड़ते फिरे हैं मस्त गगन में, भाई सूरज सूरज है ये, और इसके पास भाई ये झंडे का कलर कहाँ से आ गया, कोई मुझे समझाएगा नहीं कहाँ से भाई, और नीचे हरा कहाँ से आ गया भाई, हरा चलो मान भी लिया, घास आसमान में कहाँ ऑरेंज कलर मिल जाएगा भाई तुम्हें, और चलो झंडा यार, झंडा चलो ठीक है मान लिया झंडा है, चलो तुमने बनाया हमने माना, तुमने झंडा बनाया, चिड़िया कैसे पकड़ रही है, कोई मुझे समझाएगा, आर यू कॉमेडी मी, कोई समझाएगा मुझे, कहाँ से भाई कहाँ से चिड़िया तो इतने साथ मिल भी जाते, मेरे भी गए बात भी कर ली, चलो मान लिया हमने उनकी लैंग्वेज में, झंडा भी पकड़ लिया वो भी इंडिया का भाई, अब ये तो कंफर्म हो गया है इंडिया सोने की चिड़िया है भाई, अब बस ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने चिड़िया पर नॉर्मल झंडे का कलर किया, सोने की चिड़िया क्यों नहीं बनाया मैंने भाई। भाई शिनचैन, उस वक्त शिनचैन का मुंह नहीं था, इस वक्त मुंह है, ओ भाई मुंह है तो क्या खुला, जैसे शिनचैन किसी को देख लिया एकदम घबरा, भाई ये तो क्या पता क्या है भाई, जय माता दी भाई, और वो भी शिनचैन बना भी उल्टा है भाई, ये देखो ये शिनचैन, ये सीधी ड्राइंग है, बेचारा हमारे शिनचैन भैया उल्टे हैं लगता है शिनचैन सर को योगा करने की आदत है, कोई नहीं शिनचैन सर के शौक। ओ भाई उसके बाद भाई ये मैंने 6th में ड्राइंग करी है, थोड़ी अच्छी ठीक ठाक मान सकते हो आप, कि फ्री फायर जब मैं फैन था फ्री फायर का, एक वक्त हुआ करता था, तो गाइस उस वक्त मैंने ये ड्राइंग करी थी, ये देखो फ्री फायर की, ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है अधमरा भाई, और फिर भाई ये देखो सारे कार्टून स्टिक्स, ये तो फिर भी चलो मान लिया बहुत अच्छी, शिनचैन डोरेमोन, शिनचैन है नहीं वैसे इसमें, वो कजामा नोबिता डोरेमोन और नोबिता और शीरो और भाई देख किसी भी, ओ भाई उसके बाद 5th में बनाई गई है ड्राइंग पांडा टेडी बियर की, एंड देन उसके बाद ये पेड़ भाई बैठ, ये पेड़ आपको दिख नहीं रहा होगा पीछे मारकर चलाए, हाँ उसके बाद भाई आज की दो लास्ट की ड्राइंग्स, लेकिन बहुत फनी ड्राइंग भाई, ये भाई ये मतलब बैटमैन भाई, सस्ता बैटमैन, उसके बाद ये तो पहाड़ों के ऊपर यमुना के पार है ना, निंजा हटोड़ी चढ़ जाएगा यहाँ से, कूदेगा फिर कूदेगा फिर कूदेगा। तो गाइस इतनी थी ड्राइंग, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको ड्राइंग, और मज़ा आया कि नहीं वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।